नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। नैनीताल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह से वर्चुअल बातचीत की और संवाद कार्यक्रम में जिले के 3 समूहों में आदर्श महिला कल लेवल फेडरेशन विकास खंड कोटाबाग और एकता स्वयं सहायता समूह फत्ता बंगर हल्द्वानी के साथ ही अधिकारियों से वर्चुअल बातचीत की गई। बता दें, वर्चुअल महिला स्वयं सहायता समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा, मात्र शक्ति ने लगन से काम किया है, ये उत्साह हमेशा बना रहे और आगे भी काम अच्छा करे, प्रदेश और देश के विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार का अच्छा और सशक्त माध्यम है। जहां एक तरफ देश में कोरोना के चलते कई सारे काम या तो ठप पड़े हैं या फिर चलते हुए काम में कारोबारियों को घाटा उठाना पड़ रहा है, वहीं ऋषिकेश में कोरोना के चलते लगातार घाटे में जा रहे परिवहन व्यवसाय को बचाने के लिए कारोबारी फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने वाले हैं। इसके लिए कारोबारियों ने एक होटल में बैठक कर आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर ली है और परिवहन कारोबारियों की सबसे पहली मांग वाहनों की आयु सीमा 2 साल बढ़ाने और दूसरी मांग वाहनों का 2 साल का टैक्स माफ करने की है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि प्राइवेट बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए राहत राशि की घोषणा किए जाने पर परिवहन कारोबारियों ने सरकार का आभार जताया है। बता दें कि 2 साल से लगातार 4 धाम यात्रा नहीं चलने से परिवहन व्यवसाय खत्म हो चुका है। ऐसे में परिवहन कारोबारी 25 अगस्त को विधानसभा भवन के बाहर सत्याग्रह भी करेंगे। मांगों को लेकर काम किया था। हमारी पहले जो मांगे थी, हमारी तीन मांगे थी। पहले तो जो भी वाहन स्वामी है उनका 2 वर्ष का टैक्स माफ किया जाए, जो हमारा 31 मार्च 2022 से शुरू हो और 2 साल का रहे, क्योंकि अभी तक तो हमारी गाड़ियां सरेंडर है, उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा, हमारी जो मांग थी कि वाहन चालक और परिचालकों को 10 से 15 हज़ार की आर्थिक सहायता राशि दी जाए। तीसरा, हमारी मांग थी कि हमारी वाहनों की जो 2 साल खड़े हमारे वाहनों की आयुष्मा खत्म हो चुकी है, उसको जो है स्वतः ही 2 साल बढ़ाने का काम किया जाए। तो हम केवल 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे थे। सरकार द्वारा मैं साधुवाद देना चाहता हूं सरकार का कि उन्होंने चालक परिचालकों की समस्याओं को समझा और उसके लिए उन्होंने जो है 12,000 रुपये की राहत राशि की घोषणा की है प्रत्येक चालक परिचालक के लिए, तो उसको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन हमारी जो 2 लंबित मांग वाहन स्वामी की जो मांगे हैं, उसको अभी सरकार ने उसको नहीं लिया है, तो उसके लिए हम आंदोलनरत हैं। और जो हमारी समस्या है, अब हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर दोबारा से मैदान में आएंगे। चालक परिचालक वाली समस्या तो हमारी समाप्त हो चुकी है। तो बता दें, ऋषिकेश में परिवहन कारोबारियों की बैठक हुई है। बता दें, पिछले लंबे समय से कोरोना के चलते परिवहन व्यवसायी जो हैं परेशान हैं और कोरोना के मामले जिस तरह से पड़े थे उस तरह से 4 धाम यात्रा भी बंद हो गई थी। ऐसे में परिवहन विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ राहत राशि भी दी गई थी, उसकी घोषणा की गई थी, जिस पर परिवहन कारोबारियों ने सरकार का आभार भी जताया था। बता दें कि 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लगातार 4 धाम यात्रा नहीं चली है और ऐसे में परिवहन व्यवसाय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे ये लोग अब परेशान हैं। इनके सामने इनका घर चलाने का संकट भी खड़ा हुआ है। ऐसे में परिवहन कारोबारियों का कहना है कि 25 अगस्त को विधानसभा भवन के बाहर सत्याग्रह वो करेंगे और अपना आंदोलन भी वो करेंगे। लगातार दरअसल परिवहन व्यवसाय के लोग जो हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनके क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए और 4 धाम यात्रा खोली जाए, ताकि वो अपना रोजगार जो है वो फिर से शुरू कर सके और अपना जो है इनकम वो अपनी कमा सके। लेकिन इस लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में 4 धाम यात्रा जो है वो बंद है, उसको देखते हुए अब सरकार क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात है। हालांकि एक कारोबारियों ने एक होटल में बैठक भी की थी, जिसमें आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई है।
ऋषिकेश में IGPL चौकी क्षेत्र में अज्ञात चोर ने अपनी गाड़ी में गौशाला से 3 भैंस चोरी की और मौके से फरार हो गया। वहीं जैसे ही भैंस का मालिक ये देखकर गाड़ी का पीछा करने लगा, लेकिन चोर फरार होने में कामयाब हो गए। बता दें, पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। वहीं भैंस जो कि उसकी आजीविका का एक साधन है, उसके चोरी हो जाने के बाद पीड़ित का रो रो का बुरा हाल है। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसने पुलिस को लिखित तहरीर देकर चोरों को पकड़ कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये मेरे घर पर कल 17/8 में सुबह 4 बजे 2 भैंस और एक उसका बच्चा चोरी हुआ है। इस घटना की मैंने थाने ऋषिकेश में IDPL चौकी में लिखित रिपोर्ट सूचित करी है, जो मैंने तुरंत कार्रवाई के इरादे से 5 बजे के आसपास कर दिए IDPL में। आज मैंने अपनी तसल्ली के लिए रायवाला थाना क्षेत्र गया, वहाँ पे मैंने वहाँ पे पुलिस वालों की मदद मांगी, मेरी हेल्प नहीं हुई। मैं खुद वहाँ पर सड़क पे खड़े होकर हर गाड़ी को देखता रहा। 6:47 से 50 मिनट के बीच एक पिकअप जिसमें 2 भैंस क्रॉस हुई हैं, वो थाना रायवाले से क्रॉस होके गई हैं। तो बता दें, ऋषिकेश का ये पूरा मामला है जहां पर रात के अंधेरे में भैंस चोरी कर ली गई। पीड़ित ने अब न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया गया और चोर जो हैं मौके से भैंस को लेकर फरार हो गए। ऋषिकेश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बस्ती से पुलिस की पिटाई का एक मामला सामने आया है, जहां पर रंगरलिया मनाने गए एक दरोगा की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों के विरोध करने पर दरोगा ने फायरिंग भी कर दी। वहीं फायरिंग से आक्रोशित ग्रामीणों ने दरोगा को बांधकर जमकर उसकी खातिरदारी की। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दी। वहीं ग्रामीणों ने इसकी वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। इस वायरल वीडियो से विभाग की खूब धज्जियां उड़ रही है और इस पूरी घटना को लेकर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो बता दें, बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर एक दरोगा रंगरलिया मनाने गया था। वहीं ग्रामीणों ने जब दरोगा को पकड़ लिया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी और किसी ने दरोगा का वीडियो भी बना लिया और जो अब काफी वायरल हो रहा है। बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने जब दरोगा को पकड़ा तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को भी दे दी है और साथ ही बता दें इसका वीडियो भी बना लिया गया है, लेकिन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पर मौन हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बस्ती से हमारे संवाददाता अमित लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ नया अपडेट है? क्या दरोगा पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? जी, ये बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र का मामला है, उजी गांव का, जहां बीती रात दुबौलिया थाने के SI रंगरलिया मनाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा और जब ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे तो दरोगा ने फायरिंग भी की जी, कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और दरोगा को बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की गई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा कोई बयान न जारी किया गया कि कैसे क्या हुआ है, कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें पुलिस विभाग जमकर किरकिरी हो रही है। अमित, लेकिन जिस तरह से देखा जाए ये मामला सामने आया है, इस तरह से पहले भी कई पुलिस के अधिकारियों की और दरोगा या पुलिस विभाग की ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लेकिन उसके बाद भी क्यों अक्सर देखा जाता है कि कार्रवाई नहीं की जाती है और अक्सर जो है विभाग इस पर चुप्पी साध लेता है? जी, ये पूरे मामले को पुलिस विभाग से जुड़ा होने के नाते मामला पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है, इसी वजह से पुलिस कुछ भी नहीं बोलना चाह रही है, क्योंकि पुलिस विभाग से मामला जुड़ा हुआ है और पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है।
जी बिल्कुल अमित, और लगातार देखिए इस तरह के मामले हम देखते रहते हैं, और इसीलिए देखिए आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है, लेकिन जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन देखिए पुलिस विभाग को इसलिए पुलिस विभाग जनता की मदद करने के लिए खड़ा होता है, अक्सर जनता की मदद के लिए होता है, लेकिन उस तरह से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी फिर किस तरह की कार्रवाई होगी इस पर? जी ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र भी दिया है थाने पे कि पुलिस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक इस पे पुलिस अधीक्षक से बार बार संपर्क करने किया गया कि बात करने के लिए, लेकिन पुलिस अधीक्षक ना तो फोन उठा रहे हैं अपना बस्ती और ना ही इस पे कुछ बयान जारी कर रहे हैं। जी अमित, जिस दरोगा को पकड़ा गया है क्या ये कोई पहला मामला है जिसमें वो संलिप्त पाया गया है? इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं में वो शामिल था? जी दरोगा की संलिप्तता की गांव वाले कई बार गांव में जाते हुए और उस घर पर जाते हुए देखा गया था, जिसके गांव वाले ये मतलब गांव वाले उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे कई बार, और दरोगा को कई बार मना किया गया, ये ग्रामीण बता रहे हैं कि मना किया गया, उसके बाद बार बार जबरदस्ती वो घर पे जाते थे। जी अमित, आपकी क्या किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? जी इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक बस्ती के मोबाइल पे फोन करके इस घटना की जानकारी ली गई कि क्या कार्रवाई की जा रही है और इसमें क्या अपडेट है, लेकिन पुलिस अधीक्षक बस्ती जो अपना सरकारी उठाते नहीं, उनके PRO उठाए और उन्होंने कहा कि हम इस पे बात करके आपको बताएंगे। जी चलिए अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर एक दरोगा का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दरोगा रंगलिया मनाने के लिए गया था, लेकिन उन ग्रामीणों ने जब उसको पकड़ लिया तो उसकी जमकर पिटाई की गई और वीडियो किसी ने बनाकर इस पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को भी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से चुप्पी साध रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर तेजी से लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 23 अगस्त से जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा के बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के सभी बोर्डों के प्राथमिक स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में 16 अगस्त से ही माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ क्लासेस शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने का आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें स्कूलों में 1 सितंबर से कक्षाएं अब चलेंगी और ऐसे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा से कहा गया है कि स्कूलों में पठन पाठन कराने के इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग COVID-19 को देखते हुए जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दे, और ऐसे में बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव RV सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद, मान्यता प्राप्त और अन्य बोर्डों के स्कूलों में भौतिक रूप से पढ़ाई कराने का आदेश दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, क्या कुछ अपडेट है अब 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे? पारुल, सबसे पहले बताना चाहूंगी कि स्कूलों की जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई है, क्योंकि 1 सितंबर से जब बच्चे आना शुरू करेंगे तो वो ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे जो बच्चे आए उनको कोई कोरोना काल में जो बीमारियां फैली हुई थी उनका सामना करना पड़े। डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है, और जो फील्ड में प्रेयर करवाया जाता था उसको अब क्लासों में कराया जाएगा। प्रिंसिपल ने खास टीचरों को ये एक आदेश दे रखा है कि बच्चे काफी आसपास ना बैठे, दूसरों का खास ख्याल रखें, और जब वो स्कूल में एंट्री करें तो खास तौर से दरवाजे पे ही सैनिटाइजर करके उनके अंदर एंट्री करवाई जाए। रूबी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि देखिए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे की उम्र जो है वो बहुत छोटी होती है, ऐसे में उनसे कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देखिए 9वीं से 12वीं के बच्चों को अक्सर देखा जाता है वो समझदार होते हैं और हर चीज को समझ जाते हैं, लेकिन कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये टीचर हो या प्रिंसिपल है उसके लिए भी एक चैलेंज होगा,
क्योंकि पेरेंट्स से पहले उन लोग ने एक लिखित तौर पर इजाजत भी मांगी गई है कि आप बच्चे अपने स्कूल भेज सकते हैं तो ही तभी भेजिएगा, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपके बच्चे आना चाहते हैं स्कूल तो आपको हमारे पास आके बताना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप बच्चों को स्कूल भेजिए। लेकिन प्रिंसिपल और टीचर के लिए ये चुनौती जरूर होगी क्योंकि ऐसे में बच्चों को खास ख्याल रखा जाए और हर एक पल पे नजर बना के रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को कैसे वो फॉलो करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जरूर हैं और टीचर और चाहे प्रिंसिपल हो उनको एक खास इंतजाम करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी होगा जो स्कूल है वो किन मापदंडों के हिसाब से, यानी कि जो कोरोना प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से भेजा गया है, निर्देश जो जारी किए गए हैं, क्या वाकई में उस चीज को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जी रूबी, देखिए सरकार की तरफ से एक आदेश ये भी जारी किया गया था कि जो अभिभावक चाहते हैं कि उन्हें वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें तो वो नहीं भेज सकते हैं, तो क्या उनके लिए कुछ अलग क्लासेस चलाई जाएंगी जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं? देखिए अभी इस बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन स्कूल की तरफ से ये भले ही कहा गया है जो बच्चे आना चाहते हैं उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता आके मिले और उसके बाद अगर उसको ये अलाउ मिलता है कि वो बच्चे को अपने स्कूल भेजेंगे तो ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन की जो कक्षाएं चल रही थी उस पे अब जो प्रिंसिपल हो या टीचर हो वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन जो स्कूलों का अब जो दरवाजा खुलेगा और जब बच्चे आएंगे उसके बाद जो बच्चे नहीं आते हैं तो उसके लिए क्या इंतजाम किया जाता है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर्स जो है वो तैयारी कर चुके हैं कि ऐसे में स्कूल जब खोलेंगे तो बच्चों के लिए खास इंतजाम क्या किया जाए, लेकिन जो बच्चे नहीं आएंगे उनके लिए टीचर और प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइन क्या तैयार करते हैं। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें 1 सितंबर से यूपी में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल को फिर से खोल दिया जाएगा, हालांकि 16 अगस्त से पहले ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और ऐसे में 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। तमाम स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल्स का बच्चों से पालन कराया जा रहा है और ऐसे में 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी अब खुल जाएंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। केरल एकमात्र राज्य ऐसा है जहां कोरोना का कहर लगातार बना हुआ है। 60% कोरोना केस रोजाना सिर्फ केरल में ही दर्ज किए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,401 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 530 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। एक दिन पहले की बात करें तो 35,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 24 घंटे में 39,000 के करीब लोगों के कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3286 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 21,427 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि 60% के सिर्फ केरल में ही मिले हैं। वहीं बीते दिन की बात की जाए तो यहां महामारी से 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ऐसे में केरल में नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,25,000 हो गई है और मृतकों की संख्या 19,000 से ज्यादा पहुंच गई है और एक दिन में 18,731 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाने को लेकर लगातार योजनाएं चला जा रही हैं। वहीं युवाओं के लिए तमाम रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा माफियाओं की तरफ से लगातार छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी फीस के नाम पर ज्यादा वसूली की जा रही है तो कहीं सरकार की तरफ से दी जा रही स्कॉलरशिप हड़पी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली का ANA कॉलेज इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। मामला छात्र छात्राओं की छात्र प्रति का है।
छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन सरकार की तरफ से छात्र छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं दे रहे हैं। वहीं छात्रों की तरफ से छात्रवृत्ति मांगे जाने पर उनको डराया धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। दरअसल MBA कर रही अदिति गंगवार ने आरोप लगाया है कि उसने अपने कॉलेज की सारी फीस जमा कर दी है, लेकिन इसके बाद भी उसको सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। अब जब इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की गई तो कॉलेज स्टाफ ने उसके साथ मारपीट की और अभद्रता की, जिसकी वीडियो छात्रा ने अपने मोबाइल में बना ली। मेरी जो कॉलेज की फीस थी, मेरा जो एडमिशन हुआ था वो मेरा 35,000 में हुआ था, लेकिन मैं अपनी जो है 40,000 फीस जमा कर चुकी हूँ, एकेडमिक फीस पूरी दे चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म रोक दिया गया, वहाँ पे नहीं भरा गया। जब इसकी शिकायत मैंने कॉलेज के मैनेजमेंट से करी तो वहाँ के जो रूबा नसीम और आशना मेहरोत्रा, अजीत और चेयरमैन डायरेक्टर, सब ने मिलकर मेरे साथ ये बोला कि इसको डंडे मार के बाहर निकालो, और मेरे साथ जो है धक्का मुक्की और मारपीट की गई और मेरी कॉलेज में नो एंट्री लगा दी गई। जब इसकी शिकायत लेके मैं DM साहब के पास पहुंची, मैंने उनको कॉल करवाया तो उन्होंने बोला कि कॉलेज पहुंचो। मैं कॉलेज भी पहुंची तो उन्होंने मेरे को अंदर आने से मना कर दिया। इसकी शिकायत मैंने फतेहगंज थाने में इंस्पेक्टर से भी करी थी, उन्होंने मेरे साथ दरोगा को कॉलेज भेजा, लेकिन दरोगा जी ने भी मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कॉलेज के स्टाफ के साथ बैठकर चाय पानी पिया और उन्होंने उन्हीं के रिसिप्ट और स्लिप्स देखी, मेरी कुछ भी नहीं बात सुनी, और बाहर आके मुझसे ये बोला कि गलती तुम्हारी है, ड्यूज तुम पे है और तुम ये क्लियर कर लो, और नहीं तो कॉलेज जाने और तुम जानो। और जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने मेरा कॉलेज से नाम काट दिया और मेरे पापा को जबरन पता नहीं क्या लिखवा लिया और इन्हें चेक काट के दे दिया। जब इस बात के लिए हमने थोड़ा जोर डाला तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन में पुलिस बुलाकर और दरोगा जी हमसे ये कहने लगे कि तुम वहाँ से आ जाओ, नहीं हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। जब हम इस बात को लेकर फिर से थाने पहुंचे तो थाने वालों ने कह दिया कि तुम बच्ची हो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो और तुम्हारा सारा मामला झूठा है, हम तुम्हारी FIR नहीं लिख सकते। तो उसके बाद से मैं आज इनके पास आई थी SSP के पास, तो उन्होंने भी यही बोला है कि हम जांच करवा सकते हैं, आपकी इतनी मदद कर सकते हैं। मामला मेरा ये है कि लड़की की पूरी फीस ANA कॉलेज की स्टूडेंट थी, इसकी पूरी फीस मैं जमा कर चुका, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज की इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, उसका फॉर्म नहीं भरवाया गया, उसका साल बेकार कर दिया गया, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जब तक छात्रवृत्ति जो उसकी आई है स्कॉलरशिप वो भी नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारी लड़की का नहीं। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने लड़की का कॉलेज से नाम ही काट दिया। हम सभी जगह गए, संपूर्ण समाधान दिवस में भी गए, CO मेरीगंज को भी हमने बताया, थाना फतेहगंज को भी बताया, DM साहब से भी शिकायत करी, SSP महोदय को भी हमने, आज हम ADG से मिलकर आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कहीं से कोई भी न्याय नहीं मिला है। कॉलेज से MBA कर रहे फाइनल ईयर के छात्र अमन ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से लगातार उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एडमिशन लेने के टाइम पर उनसे फीस को छात्रवृत्ति में से एडजस्ट करने की बात कही गई थी। छात्र अमन कुदेशिया का कहना है कि कॉलेज के अकाउंट में छात्रों की छात्रवृत्ति आ गई है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनका मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से वैलिड नहीं है, ये बोलते कुछ हैं हम लोगों से और बाद में होता कुछ है, इनका फीस बढ़ा देते हैं घटा देते हैं, बच्चों को परेशान बहुत करते हैं। कोई भी रिलेटेड, अभी आपने लेटेस्ट में अपनी न्यूज़ निकाली अपने चैनल से, अदिति गंगवार करके जो उसका फॉर्म रोका गया है वो इसी वजह से ही है। फीस भी बोलो लेंगे, एक्स्ट्रा फीस भी लेंगे, और हाँ सबसे मेन बात, हर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करते हैं 1,000 रुपये का। ऐसा कौन सा कॉलेज है जो हर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कराता हो? रजिस्ट्रेशन एक बार होता है ना, अगर आप किसी भी डिग्री का एडमिशन ले रहे हैं तो एक ही वन टाइम होता है ना एडमिशन, अगर किसी कॉलेज में ले रहे हैं वो हर 6 महीने में लेते हैं। स्कॉलरशिप का क्या मामला है? स्कॉलरशिप का मामला ये है कि कुछ लोगों से तय होती है जो कम फीस देता है, अगर बच्चा पूरी फीस दे रहा है तो थोड़ी ना स्कॉलरशिप देगा। इनका क्या है कि स्कॉलरशिप सिर्फ हमारी है, ये है इनका कहना। फिलहाल इस पूरे मामले में छात्रों की तरफ से कॉलेज प्रशासन की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, साथ ही साथ थाना इज्जत नगर में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले इन शिक्षा माफियाओं का ज्यादा कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता है और छात्र ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाते हुए फिरते रहेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट।
नोएडा के सेक्टर 24 क्षेत्र में दो बच्चों की हत्या की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों बच्चों की पहचान हो गई है और पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चों को उनके पिता घर से लेकर निकले थे और दोनों बच्चे काफी छोटे थे। एक बच्चे की उम्र 3 साल है जबकि दूसरे की उम्र 6 साल बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।